हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है बिहाइंड द सीन। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं बिहाइंड द सीन आप लोग के कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर और आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन इस रिश्ते में क्या चल रहा है, आप दोनों इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के माइंड में इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। लेट्स सी, मैंने इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स अपलोड कर दिए हैं और इंशाल्लाह मैं जल्दी जल्दी 2-4 दिनों में और कर दूंगी, तो आप लोग इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स जाके देख सकते हैं। शॉर्ट रीडिंग होती है, इतनी भी शॉर्ट नहीं होती, अच्छी खासी आप लोगों को उसमें भी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, शॉर्ट रीडिंग तो मुझसे बनाई भी नहीं जाती। लेट्स सी, चेक करते हैं कि बिहाइंड द सीन आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। मेडिटेट करें अपने रिलेशनशिप को, अपने पर्सन को, अपनी सिचुएशन को, कि आपके रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से क्या चल रहा है इस रिश्ते में और आपकी तरफ से क्या चल रहा है। हम दोनों की तरफ से देखेंगे बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है इस रिश्ते में। टेन ऑफ कप्स, ड्रीम आप दोनों का ही है इस रिश्ते में एक हैप्पीनेस देखने का। ठीक है, लेकिन ड्रीम, इस ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हमें पेंटिकल की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरे के साथ दोनों ही आप एक फैमिली इमेजिन करते हैं। ठीक है, खुशियाँ होल्ड बैक कर रहे हैं एक दूसरे से, आप लोगों की एनर्जी है होल्ड बैक करने की। ठीक है, जैसे कि एक ईगो क्लैशेस, और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर भी अब इस कनेक्शन में इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे। या तो वो किसी चीज़ की क्लैरिटी चाह रहे हैं, या तो वो एक आर या पार सिचुएशन चाह रहे हैं, या तो कोई ट्रुथ चाह रहे हैं, या तो वो एक डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है और आपके पार्टनर की एनर्जी है होल्ड बैक करके रखना चीज़ों को। जितना जितना वो स्लो कर सकते हैं चीज़ों को, जितना वो अपने अंदर चीज़ों को छुपा सकते हैं, रख सकते हैं, वो उसी तरीके की एनर्जी में। ठीक है, खामोशी है, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, कोल्ड डिटैच एनर्जी। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कनेक्शन कहीं भी नहीं जा रहा, ना कनेक्शन कहीं जा सकता है। ठीक है, आप लोग की वाइब ऐसी है कि आप लोग को लग रहा है कि पास में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रही, माइंड गेम्स रहे और पेजेस के पॉइंट पर ये रिलेशनशिप चलता रहा। मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी से आप लोग पास में रिलेशनशिप चलाते आ रहे हैं। आपने यहाँ पर एफर्ट करी और आपके पर्सन यहाँ पर माइंड गेम्स खेलते रहे, कोई ना कोई मैनिपुलेशन, आपके पार्टनर का एक माइंड गेम खेलना, मैनिपुलेट करना, ऑप्शंस ओपन रखना, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहना अपनी लाइफ को। आपके पर्सन के अंदर ये सब कुछ रहा, आपके पर्सन मुझे मेच्योर वे में नहीं लग रहे। ठीक है, आपके पर्सन जब भी आपकी लाइफ में पेजेस की एनर्जी में आए, तो बिहाइंड द सीन आप लोग एक दूसरे से, आपके पार्टनर भी और आप भी होप रखते हैं कि इन फ्यूचर शायद आप लोग एक साथ दोबारा आए और इस रिलेशनशिप में एक अच्छी चीज़ें कुछ मैनिफेस्ट कर सकें, आप एक दूसरे का साथ मैनिफेस्ट कर सकें। लेकिन आप यहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप यहाँ पर किसी तरीके का डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं, और आपके पर्सन एक साइलेंटली बैठ कर खामोशी से बैठे हुए हैं और होल्ड बैक कर कर, और मतलब के होल्ड बैक की एनर्जी। आपके पर्सन ने एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एक साइलेंट आपके पर्सन यहाँ पर हुए हुए हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, और आपको यहाँ पर ना एक आपको इस वक्त आप ना यहाँ पर इमोशनल हुए हुए हैं, ना आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं। अब आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मेच्योर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेबल एक्ट कर रहे हैं, आप एक बैलेंस पर्सन बन चुके हैं, आपका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन साइड बैलेंस हो चुका है। पहले आप अगर फेमिनाइन साइड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड आपकी झलकती थी आपकी पर्सनैलिटी से, आप मेल हैं या फीमेल है, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा, अब आप मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एक सेंसिबल, जो छुपाना चाहिए वो छुपा रहे हैं, जो बताना चाहिए वो बता रहे हैं, जो कहना चाहिए वो कह रहे हैं। ठीक है, वो वाली एनर्जी आपकी, और आपके पर्सन तो साइलेंट, खामोश, बिल्कुल साइलेंट हुए हैं, वो होल्ड बैक करके बैठे हुए, उनको समझ में नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए। बिहाइंड द सीन आप लोग के रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। आप इस पर्सन से चाह तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन आप इस पर्सन से डिसीजन चाहते हैं, किसी तरीके की डिसीजन मेकिंग मांग रहे हैं। आप चाह रहे हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉपर आए, या तो आपकी लाइफ से प्रॉपरली कट, इस सिचुएशन से निकल जाए, अब इस कहानी से ही बाहर चला जाए ये पर्सन। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, फोर ऑफ सोट की एनर्जी है। ठीक है, स्ट्रांगली ये पर्सन आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा, मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्टक है। एक इसको कुछ डिसाइड करना है, कुछ एक्शन लेना है, इसको ये इस बात का पता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक है और पेन में है, कहीं ना कहीं पेन में है। आपका ऑफर ना एक्सेप्ट कर पा रहा है, ना आपको मुकम्मल तौर पर आपको अपनी लाइफ से निकाल पा रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसकी लाइफ में, कन्फ्यूज स्टेट है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, किसी कहीं अपनी लाइफ में किसी पॉइंट पर स्टक है ये अपनी ज़िंदगी में। ठीक है,
यहाँ पर जगल कर रहा है आपको किसी और इंसान के साथ या किसी और सिचुएशन के साथ या किसी और प्रॉब्लम के साथ, जगलिंग फेस चल रहा है, कभी इसको समझ नहीं आ रहा है ये बैलेंस में कैसे लाए। ठीक है, आपकी सिचुएशन, आप इस रिलेशनशिप को और अपने आप को कैसे बैलेंस में लाए। मेंटली ब्लॉक है, मेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब कि शायद इतनी प्रॉब्लम बज़ाहिर नहीं होगी अगर ये आपकी तरफ एक प्रॉपर कम्युनिकेट करे, लेकिन इसके माइंड में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता किस तरीके से अपने मेंटली ब्लॉकेज से बाहर निकले, आपके सामने सब कुछ रखे। ये क्या करता है, आपको ही ब्लॉक कर देता है, कम्युनिकेशन ही ब्लॉक कर दे रहा है। आप जिस तरीके से इससे एक डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं इसको पता है, तो ये क्या करता है, सिचुएशन को एंड कर कर खामोश होकर एक साइलेंट होकर बैठ जाता है, कि मतलब कि ना एक्शन लेना पड़ेगा, ना आपसे कुछ डिस्कस करना पड़ेगा, ना आपसे बात करनी पड़ेगी, तो चीज़ें यहाँ पर ऐसे के ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी यहाँ पे टू ऑफ कप्स, प्रॉब्लम ये है, डिसीजन मतलब कि कहीं स्टक है, डिसीजन आपके फेवर में लेना चाहता है, लेकिन कोई और चीज़ है जो उसको आपकी तरफ कम्प्लीटली आने नहीं दे रही, कम्प्लीटली आपकी तरफ पहुँचने नहीं दे रही। कहीं मेंटली ब्लॉकेज, जैसे कहीं इस पर्सन की लाइफ में फैमिली इशू है, या तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हुई। ठीक है, ये क्या करता है, एट दी एंड इन सब चीज़ों से खुद को बाहर निकालने के लिए ब्लॉक कर देता है। ठीक है, एक इन एंड आउट एनर्जी है, ये भी आपकी तरफ चाह रहा है अप्रोच करना, आपसे बात करना, आपके साथ कनेक्ट होना, लेकिन नहीं कर रहा। ठीक है, इसने ब्लॉक किया हुआ है, बात बंद हुई भी, आप लोग की कम्युनिकेशन खत्म हुई भी है, शायद बिना लड़ाई झगड़े की कम्युनिकेशन खत्म हुई हो, आपको तो समझ में ही नहीं आता ये पर्सन बोलता क्यों नहीं है, या तो बोल के कहानी खत्म करे, ये चाहता आपसे टू ऑफ कप है, लेकिन कहीं अपनी लाइफ में स्टक हुआ हुआ है, अपने मेंटली ब्लॉकेजेस में कहीं से बाहर नहीं निकल पा रहा, आपके लिए कम्प्लीटली कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहा, जो डिसीजन लेना चाहिए वो ले नहीं पा रहा आपके लिए। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा क्या करें। इसको पता है यहाँ पर इसको इक्वल गिव एंड टेक करना है। ठीक है, आपको वो देना है जो आप डिजर्व करते हैं, ये बात ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है, लेकिन इसको लग रहा है इसने अगर इस बार आपको कोई अगर इसने ना कह दिया तो आप इसकी लाइफ का एक साइकिल क्लोज हो जाएगा, मतलब कि आप इसकी लाइफ से कंप्लीटली, आप इस स्टकनेस से थक चुके हैं, आप इस स्टक सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। अगर ये आपको इस वक्त ना कह देता है, इन सब कहानी को ख़त्म इसी पॉइंट पर आके होगी कि अब आप ना वेट करना चाह रहे हैं, ना आप स्टक रहना चाह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मिच्योर हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसले आप मेच्योरिटी से कर रहे हैं, इमोशनल साइड से नहीं कर रहे, ये आपके बिहेवियर को देखकर थोड़ा घबरा रहा है, इसलिए साइलेंट होके पीछे होके बैठ गया है। ठीक है, इसको आप चाहिए अपनी लाइफ में, इसको पता है आपसे बेहतर पर्सन नहीं मिल सकता, आपको ये खो कर कहीं खुश नहीं रह पाएगा, आपका इंसान आपके जैसा इंसान नहीं मिल पाएगा इसको। ठीक है, जितना आपने एफर्ट करा, जो आपने इस पर्सन के लिए मतलब कि जो आपने इस पर्सन के लिए किया, इसके लिए आज तक किसी ने नहीं किया वो सब। ठीक है, तो कुछ इसकी लाइफ का एक हिस्सा है जो उसको स्टक करके रखा हुआ है, आपकी तरफ आने नहीं दे रहा, बिहाइंड द सीन ये कहीं अपनी प्रॉब्लम में स्टक है, मेंटली प्रॉब्लम में स्टक है, बैलेंस नहीं कर पा रहा, ना आपको ना अगर फैमिली सिचुएशन है, ना फैमिली को ना आपको, या फैमिली नहीं मान रही आपके लिए, कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ बहुत बुरे तरीके से अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है, कन्फ्यूज महसूस कर रहा है, कुछ क्लैरिटी पे नहीं आ पा रहा, आपको छोड़ना नहीं चाह रहा और सरकमस्टेंसेस इसका साथ नहीं दे रहे कि आपको अपने साथ रख सके। ठीक है, इसीलिए फेस नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, साइलेंटली यहाँ पर आप लोग के बीच एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, एक फेज एंड हो चुका है यहाँ पे, एक फेज कंप्लीट हो चुका है, जैसे एक लास्ट डिसीजन मेकिंग है, ये लास्ट एक शॉट है, लास्ट टाइम है, ये लास्ट इस रिलेशनशिप में एक चांस दिया हुआ है, मतलब कि ये ऐसा बिल्कुल एक एज पे आके खड़ा हो गया, ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है, जिंदगी भर के लिए एक एंड हो जाएगा, ऐसी सिचुएशन चल रही है अब इस रिश्ते में, या तो यहाँ मतलब क्या अवेकन है, अब आप अवेकन हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपको एक अवेकनिंग यहाँ पर मिल चुकी है कि आपको क्या करना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिल चुका है, आपको नॉलेज मिल चुकी है, आपको किस तरीके से एक्ट करना है, आपको आपको कब कहाँ किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको कहाँ क्या बात करनी है, ये बात आपको समझ आ चुकी है। ठीक है, आप इसलिए बहुत बैलेंस हो चुके हैं, और आपकी एक आपकी पर्सनालिटी में एक बैलेंस आपका जो है, जो आपकी लाइफ में कायम हुआ है, वो दिख रहा है। ठीक है, इस टाइम आप जिस तरीके से भी इस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं, पर्सन इस बात को यूं घबरा रहा है आपसे बात करने में, क्योंकि आपके बैलेंस को, आपकी मेच्योरिटी को समझ रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, अब आप ये बचकाना या इमोशनल साइड रखकर नहीं सोच रहे, आप एक सीरियस वे में सोच रहे हैं, अब ये सीरियस डिसीजन मेकिंग होगी। आप दोनों को साइड मैंने बताया कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेट्स सी, देखते हैं बिहाइंड द सीन आप लोग के रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, यूनिवर्स क्या कर रहे हैं इस रिश्ते में बिहाइंड द सीन।
डिवाइन यहाँ पर क्या चाह रहे हैं, बिहाइंड द सीन इस रिश्ते में क्या करना चाह रहे हैं? पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, जी गाइड कीजिए। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स यहाँ पर इस रिश्ते में क्या चाह रहे हैं, इस रिश्ते में क्या कर रहे हैं? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा, आपने जो हार्ड वर्क किया इस रिलेशनशिप में वो आपको पेइंग ऑफ किया जाएगा, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, अगर आपके अंदर कोई नेगेटिविटी है तो आपको कहा जा रहा है रिलीज करें, आपकी सिचुएशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आपका या आपके पर्सन का साइन हो सकता है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स, आपको अपने फियर्स पे वर्क करना चाहिए, अगर आप मतलब कि आपका फेयर है कि ये रिश्ता लूज कर देंगे, खो देंगे आप, तो वर्क करें, जो चीज़ आपकी है वो आपकी होके रहेगी, जो चीज़ आपकी नहीं है आप उसके पीछे लाख भाग कर भी उसको अपना नहीं कर सकते, ठीक है। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यहाँ पे डबल स्कॉर्पियो की एनर्जी है, तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपका कोई कंफर्ट जोन है या आपके पार्टनर का कंफर्ट जोन है, मतलब कि किसी को अगर आपने कंफर्ट जोन से बाहर आ चुके हैं, आपका फेयर था इस पर्सन को लूज कर देने का, अगर आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, जो चीज़ आपकी तकदीर में होगी वो आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर हैं तो आपके पार्टनर को कहा जा रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, कहीं स्टैंड लें आपके लिए और अपने लिए, ठीक है। कहीं वो खुलकर अपने लिए बात करें, कहीं वो खुलकर अपने लिए अपने अपने राइट्स को मांगें, अपने राइट्स को रखें लोगों के सामने, अगर फैमिली है तो उसके सामने जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको फेस करें, डर कर छुप कर बैठना या खामोश रहना ये कोई हल नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन को ये बात बताई जा रही है। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, मैंने कहा ना कुछ कोई फेस एंड हो चुका है, कोई फेस कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, बिहाइंड द सीन आप लोग का रिलेशनशिप किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, आपको कहा जा रहा है न्यू स्टार्ट हो रहा है तो होल्ड बैक नहीं करना पास्ट को, ठीक है। पास्ट को लेकर मत बैठें, पास्ट की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्थ नहीं है आपकी लाइफ में, पास्ट आप पास्ट को अपनी ज़िंदगी में मत रख कर बैठें, ठीक है। होल्ड योर विजन, अगर कोई विजन है जो आपको बार बार तंग कर रहा है तो आप उस विजन को होल्ड करें, आपके पर्सन की नेगेटिविटी में कोई माइंड में ऐसा कोई विजन आ रहा है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आपके पर्सन उस विजन को होल्ड करें। चाह आप भी रहे हैं इस रिश्ते को, चाह आपके पार्टनर भी रहे हैं, चाह दोनों की एक दूसरे के साथ आने की, लेकिन आपके पर्सन अपने फेयर को फेस नहीं कर रहे, अपने डर को फेस नहीं कर रहे, और आपने अपना डर फेस कर लिया। इस पर्सन को लूज करने का डर था, इस पर्सन को खो देने का डर था, आपकी एक मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में आना था, वो आ चुकी है। आपको मेच्योरली एक्ट करना था, आपको अपने फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग करनी थी, आप उस पॉइंट पर आकर खड़े हो चुके हैं। आपको एक दफ़ा ये राइट आंसर दे, या तो अब जिसने खामोशी भी कर दी है ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर कुछ टाइम बाद इसने आपको कोई इस चीज़ को इसने नहीं देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर चला जाएंगे आने वाले टाइम में। अब आप डर नहीं रहे, आप घबरा नहीं रहे कि ये आपसे बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, अब आप इसको चेज नहीं कर रहे, आपने अपने फेयर पे वर्क करा है, ठीक है। अब आपके पर्सन की बारी है कि अपने फेयर पे वर्क करें, अगर वो इस कनेक्शन को चाहते हैं, अगर वो डर रहे हैं इस कनेक्शन को खोने से, ठीक है। लव आपके दिल में भी है इस पर्सन के लिए, और आपके पार्टनर के दिल में भी है आपके लिए लव, ठीक है। देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। आप लोग यहाँ पर एक दूसरे के लिए लव रखते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर आप लोग को अपने फियर्स पे काम करना था, अपने अपने फियर्स पे वर्क करना था, आपने तो करा। कुछ रिलीज करनी है नेगेटिविटी आपके पार्टनर को, कुछ नेगेटिव थॉट प्रोसेस है आपके पर्सन का, कोई ब्रॉट अप ऐसी जगह हुआ है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है बड़ों की बात माननी चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने राइट्स के लिए भी फाइट करनी चाहिए आपके पर्सन के लिए। ये चीज़ आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। आप दोनों इस रिलेशनशिप में अबंडेंस लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर बैलेंस लाने के लिए दोनों को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पर्सन को एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस एंजल ऑफ लव और एंजल ऑफ बैलेंस, मतलब कि यहाँ पर आप दोनों जब काम करेंगे तो बैलेंस आएगा, वरना कोई भी एक पर्सन वर्क करता रहेगा तो यहाँ पर ना बैलेंस आएगा ना क्लैरिटी आएगी। यहाँ पे होप है आप लोग एक दूसरे के साथ एक न्यू स्टार्ट करें, न्यू बिगनिंग करें। अटैचमेंट्स, आप लोग की अटैचमेंट्स थी जिनके ऊपर काम चल रहा था, जो आप लोग को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही थी, ऑल टाइड अप, आप थक चुके हैं रिश्ते से, आपने वर्क करना ख़त्म कर दिया, आप थक चुके हैं। आपके रिलेशनशिप में न्यू स्टार्ट है, ठीक है, न्यू स्टार्ट है, आपके दिल में भी लव है, आपके पार्टनर के दिल में भी लव है, और यहाँ पर डेस्टिनी भी आप लोग को सपोर्ट कर रही है। आप लोग एक साथ आते हैं, आप लोग की लव, आप लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आती है, ग्रोथ आती है, ये आप लोग को देखने को मिलता होगा जब आप लोग कनेक्ट होते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, आप लोग की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तरक्की आती है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की वजह से, तो ये बात आपके पार्टनर को भी समझनी चाहिए, ठीक है।
देखते हैं बिहाइंड द सीन आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। टैरो से चेक करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ये पर्सन पसंद करता है, सब कुछ करता है, ये आपको ना कम्प्लीटली ना बोल पा रहा है, ना अपनी फैमिली में फाइट कर पा रहा है, जो भी इसके ऑब्स्टिकल्स हैं ना उनसे लड़ पा रहा है ये पर्सन। ठीक है, ये आपकी लाइफ, ये आपको नहीं छोड़ना चाहता, ये बार बार कॉन्टेम्प्लेट कर रहा है आपको, जैसे इंसान इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, पास जो भी रहा हो इस रिश्ते का, लेकिन ये पर्सन इस वक्त जो खामोशी है ना, ये आपके बहुत ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में, आपकी पावर को देखकर खामोश है, क्योंकि आप तैयार हैं। अब आप जो भी सुनेंगे, आप जो भी इसका फैसला होगा, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। और ये बात ये नहीं समझ रहा कि इसकी खामोशी भी आपको कोई फ़र्क नहीं दे रही, आप अभी भी आगे बढ़ जाएंगे। इसको ऐसा लग रहा है ये खामोश रहेगा, आप स्टक रहेंगे, नहीं, आप स्लोली बट श्योरली इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि आप एक आप इससे बिल्कुल जैसे आप आज़ाद हो चुके हैं इस पर्सन से, इस इंसान से आपने खुद को आज़ाद कर लिया है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स डेस्टिनी। ठीक है, आपके पर्सन ने सब कुछ डेस्टिनी भी छोड़ा हुआ है, और यहाँ पर मतलब के गोस्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, स्नेकी बिहेवियर कर रहे हैं, और सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, न्यू बिगनिंग को आपके पर्सन ने डेस्टिनी पे छोड़ दिया, कि डेस्टिनी में लिखा होगा तो आप लोग के बीच न्यू बिगनिंग हो जाएगी, आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट होगा। आपके पर्सन को स्ट्रेंथ चाहिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टार्ट कुछ करने के लिए। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है, कमिटमेंट चाहता ही चाहता है कि डेस्टिनी आपके पार्टनर और आप लोग के फेवर में वर्क करे। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ, डिटैच हुआ हुआ है ये पर्सन, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है। इस पर्सन की फीलिंग्स में है आपके साथ स्टेबिलिटी। ठीक है, ये आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह देखता है, स्टेबल काउंटर पार्ट की तरह देखता है, और ख़ुद भी आपके साथ एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है। कोल्ड हुआ हुआ, डिटैच हुआ हुआ, बात नहीं कर रहा बिल्कुल, उसके बिहेवियर में एक कोल्ड डिटैच एनर्जी है। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं है इस पर्सन को, ऐसा लग रहा है अब बात जब ही होगी, जब डेस्टिनी ने लिखी होगी, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि खुद से तो ये एफर्ट कर नहीं रहा और आप भी नहीं कर रहे, अब डेस्टिनी ने लिखा होगा तो कम्युनिकेशन हो जाएगी, अदरवाइज आप लोगों की कम्युनिकेशन यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा सोच रहा है, हर्मिट की एनर्जी में है। ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, रिकनसाइलेशन सोच रहा है कि आप अपनी लाइफ में न्यू लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे होंगे, आपने कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं बना ली, जैसे पॉजेसिव भी हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप किसी और के साथ तो कनेक्टेड नहीं है, आप किसी और के साथ तो बातें नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में आपने किसी और को तो वो जगह नहीं दे दी जो इस इंसान की थी। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, नज़र रख रहा है आपके ऊपर, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहा है, देख रहा है आप इस पर्सन से दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, इमोशनली आपने एक डिस्टेंस बना लिया है, आप यहाँ पर अब इस पर्सन को वो वैल्यू नहीं देते, वो वर्थ नहीं देते, आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन से जैसे आप थोड़े से ईगो में आ चुके हैं, आप हर्ट हो चुके हैं इस पर्सन के बिहेवियर से। ठीक है, फीलिंग ऑफ लॉस में है, परेशान है, इसको लग रहा है शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। बिल्कुल, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोट एंड थ्री ऑफ पैंटिकल, इस पर्सन को एक फियर हो रहा है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, इसको क्लैरिटी नहीं मिल रही आप सिंगल हैं या नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में खुश हैं, किसी और के साथ आपने अपनी ज़िंदगी को खुश कर लिया है, किसी और के साथ आप आगे बढ़ गए हैं, और अब आप इस पर्सन को याद भी नहीं करते। ठीक है, इमोशनल हो रहा है ये सब चीज़ें सोच करके आप थे इसके, और अब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट वे में जा रही हैं, डिफरेंट एक डिफरेंट सिनेरियो हो चुका है। शायद आपकी लाइफ में इसने किसी और को देखा, या कहीं से इसको पता चला है कि आपकी लाइफ में कोई और है, कुछ ना कुछ किसी और का इसको हिंट मिल रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ और चल रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को अपनी लाइफ में वेट कर रहा है, मुकम्मल तौर पर इंतज़ार है इस पर्सन को। ये पर्सन आपको अपने पावर, एक पावर कपल की एनर्जी, यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, क्वीन ऑफ फ्रेंड्स एंड किंग ऑफ फ्रेंड्स, ये नहीं चाहता कि आप इससे दूर जाएं, आप इसकी हैप्पीनेस है या आपकी हैप्पीनेस है, ये बात बहुत अच्छे से इस बात को ये समझता है। ठीक है, ये आपसे लव करता है, ये चाहता है आप लोग एक साथ एक रिश्ते में काम करें। ठीक है, लेकिन बस फेयर है, इसको नहीं पता डेस्टिनी ने क्या लिखा है, डेस्टिनी क्या करना चाह रही है। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो लव हो रहा है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहता है, आप लोग के बीच एक न्यू तरीके से चीज़ स्टार्ट करना चाहता है। इस पर्सन के जो माइंड में चल रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, न्यू लेवल पे आपके साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ सकती है, यहाँ पे टू टाइम्स सन है, यहाँ पर चीज़ें आप लोग की तरफ पॉजिटिव हो रही हैं, आप लोग एक दूसरे के बारे में, मुझे आपका तो नहीं लग रहा कि आप इतना अच्छा सोच रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा ये पर्सन आपसे क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहा, क्यों बात नहीं कर रहा, लेकिन आप एक क्लैरिटी पे आना चाहते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में या तो आगे बढ़ जाना चाहते हैं, मुकम्मल किसी और के साथ कुछ ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो आप यहाँ पर स्टक नहीं रहना चाहते। ठीक है, ये पर्सन इतना तो, इस पर्सन को यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है, अगर ये कनेक्टेड अभी नहीं है, काफ़ी टाइम से नहीं है, इसको आपकी कोई कोई आपको खबर नहीं मिल रही, इस पर्सन को कहीं ना कहीं से ऐसा पता चल रहा है कि आप या तो थर्ड पार्ट, कोई थर्ड सिचुएशन, या तो कोई थर्ड पर्सन,
मतलब कि किसी कोई जालिसी की एनर्जी है यहाँ पर, कोई हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा फ्रेंड या किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी, ये आपकी एनर्जी फील्ड में फील कर रहा है, ठीक है? इसको ऐसा लग रहा है, तभी आप इसकी तरफ मूव नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, और लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।